सभी जिला हेडक्वार्टर पर, सभी मंडल हेडक्वार्टर पर युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शनी लगाकर किस तरह लाठीचार्ज नीतीश कुमार की सरकार ने किया, हम सभी जगह पर हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। 24 जुलाई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे और 9 जुलाई जिस तारीख को, 9 अगस्त को जिस दिन नीतीश कुमार जी ने एनडीए को तोड़ने का काम किया था, कई हमारी बहनों के छाती पर लाठी मारकर उनके छाती के हड्डी को तोड़ने का काम किया, इन सब चीजों को देखते हुए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया, माननीय सांसदों के ऊपर लाठी चलाया, माननीय विधायकों के ऊपर लाठी चार्ज करने का काम किया, आज 13 जुलाई को जिस तरह लाठी चार्ज करके मानवता को शर्मसार करते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी चलाने का काम किया, माननीय सांसदों के ऊपर लाठी चलाया, माननीय विधायकों के ऊपर लाठी चार्ज करने का काम किया, और जो हमारी महिला बहनें थी उनके साथ अमानवीय लाठी चार्ज करके कई हमारी बहनों के ब्रेन हेमरेज हुए, कई हमारी बहनों के छाती पर लाठी मारकर उनके छाती के हड्डी को तोड़ने का काम किया, इन सब चीजों को देखते हुए 24 तारीख से पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी, शिक्षकों के मुद्दों को लेकर और 13 जुलाई के लाठी चार्ज को मुद्दा बनाकर पूरे बिहार में सभी जिला हेडक्वार्टर पर, सभी मंडल हेडक्वार्टर पर युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शनी लगाकर किस तरह लाठी चार्ज नीतीश कुमार की सरकार ने किया, हम सभी जगह पर हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे और ये 9 जुलाई तक चलेगा, 9 अगस्त तक चलेगा। 24 जुलाई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे और 9 जुलाई जिस तारीख को, 9 अगस्त को जिस दिन नीतीश कुमार जी ने एनडीए को तोड़ने का काम किया था, उस दिन तक यह अभियान चलाकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि बिहार के सभी इलाके से, सभी हिस्सों से इसका प्रतिकार के हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से करने का काम करेंगे।